अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका क्या हाल है और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ और आज की रेसिपी का नाम है 3D पकौड़ा। हाँ जी, ये 3D पकौड़ा है। इसमें एक रेसिपी मिलेगी आपको चिकन पकौड़ा, एक आपको सिंपल पालक आलू का पकौड़ा और तीसरी नूडल्स का पकौड़ा। तो आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, ये हमारे चिकन नूडल्स हैं, ऑनियन है, पोटैटो है, अजवाइन है और ये सारे हमारे स्पाइस हैं। एक बेस से मैं आज आपको 3D यानी कि 3 रेसिपीज दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ना एक बेस बनानी है। आपने एक बॉल ले लेना और ये देखें, इसमें आपके पास 1/2 kg जो है ये बेसन है, ठीक है। 1/2 kg आपने अपना बेसन ले लेना। अब इसमें आपने 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1 tablespoon कुटी हुई मिर्च, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट, आप चॉप भी डाल सकते हैं, पेस्ट की सूरत में भी डाल सकते हैं, 1 tablespoon आपकी हरी मिर्च चॉप की हुई, और ये आपके पास बेकिंग पाउडर, ये आपके पास होना चाहिए 1 teaspoon, ये आपके पास है रोस्टेड जीरा धनिया। तो आपने जीरा और लेना, साबुत गरम मसाला जो होता है, सॉरी कोरिएंडर लेना है, साबुत धनिया, और उसको 1 मिनट के लिए सौते करके आपने इसे क्रश पीस लेना है। ये इस डिश की बहुत अहम जो है वो इंग्रेडिएंट्स है। ये आपके पास है 1 tablespoon अजवाइन, 1/2 teaspoon हल्दी, 1.5 tablespoon आपका नमक और 1 tablespoon आपका चिकन पाउडर। ये एक बेस बना रही हूँ मैं, इसी से हम फिर अपनी तीनों को रेसिपीज में डिवाइड कर देंगे। गरम मसाला, और ये है आपके पास 3 tablespoon कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से जो आपका चिकन पकौड़ा हो, नूडल्स पकौड़ा हो, ये बहुत अच्छा क्रिस्पी भी बनेगा और सॉफ्ट भी बनेगा। बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमारे पकौड़े हार्ड रह जाते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि उनको चाहिए कि जो कॉर्नफ्लोर और ये है ना बेकिंग पाउडर, ये जरूर इसमें इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ये सारी सीजनिंग मैंने डाल दी है। अब आपने क्या करना है, इसमें एक ऑनियन डाल देनी है स्लाइस कटिंग में, ये हमारा हरा धनिया है, काट के इसे धो के आपने रख लेना स्टेन करके, और ये है हमारे पास पालक 1 कप आपके सामने लिया। अब इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने अभी पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि प्याज और पालक अपना पानी खुद से छोड़ेगा। अब ये देखिए थोड़ा सा मिक्स करना है आपने और थोड़ा सा पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि इसे हमने पतला नहीं होने देना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। देखिए मेरे पास 1 गिलास है, अच्छा। अब हमारा ये देखिए बेस एक बॉल में तैयार है और अब हमने क्या करना है, 3 बॉल में इसे कन्वर्ट करना है। ये आपके पास ना 1/2 kg चिकन है और इसके आपने ना स्लाइस कर लेने हैं, ठीक है। 1 tablespoon सोया सॉस, और सोया सॉस डालने के बाद हमने यहां से ही अपना बेस वाला जो है वो निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें इसे निकाल के अपने हाथों से मिक्स कर लें। ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, चिकन पकौड़ा, ठीक है, ये रेडी है। सिर्फ ये है फ्राई का काम है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट बॉल लेंगे और उसमें डालेंगे अपनी नूडल्स। ये नूडल्स जो है मैंने 1 पैकेट बॉईल कर लिए, और इसका जो मेकर है ना ये नहीं आपने फेंकना, इसका मेकर अब डलेगा। मेकर डालने के बाद आपने फिर यहां से स्पून लिया एक और अपने इसमें कन्वर्ट कर लिया, ये देखिए। अब फिर इसे भी मिक्स कर लें अच्छी तरह से, ये आपका नूडल्स पकौड़ा बनेगा। और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे, अगर आपको स्पाइस मतलब ज़्यादा लगे तो आप कम भी रख सकते हैं, एज अ रिक्वायरमेंट आप अपने जो भी स्पाइस हो रख लें। ये हमारे पास हो गया 2nd नूडल्स पकौड़ा।
अब हमारे पास है तीसरा और वो है पोटैटो। पोटैटो आपने अगर ज़्यादा करने हो ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। बेस देख लें हमारी एक है, बट हमारे थ्री टाइप्स के आपको पकौड़े मिल गए, थ्री डी रेसिपी हो गई। एक बेस से मैंने आपको तीन पकौड़ों की तैयारी करवा दी है। अब ये आपके पास ना तीनों की रेसिपी आ गई है, आपके पास आलू पालक पकौड़ा भी हो गया, आपके पास नूडल्स भी हो गए और आपके पास चिकन पकौड़ा भी हो गया। और अब हम इसे फ्राई करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर इसे फ्राई करने के बाद हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। अब ये हमारा डीप है फ्राई करने के लिए ऑयल तैयार है और हम सबसे पहले उठाते हैं यहाँ से ये देखें चिकन पकौड़ा। इसको हाथों से अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना ताकि इसकी जो मैरिनेशन है वो अच्छी सी हो गई है। अब आपने यहाँ से अपना चिकन का पीस उठाना है और डाल देना। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ये चिकन पकौड़ा बनाया तो कैसे लगे। अब इसके साथ देखिए मैंने अब डाला है नूडल्स पकौड़े, आपने इस तरह उठाने नूडल्स ये देखें और ये। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये टिप के तौर पर मैं बता रही हूँ कि कम ऑयल में फ्राइंग नहीं करनी। आपने ऑयल जब भी जो पकौड़े बनाने ना तो ऑयल आपने ज़्यादा फ्राई कर लिए डाल दिया। अब ये देखें तीसरा हमारा आलू और पालक पकौड़ा। और चमचे से ना डालें, हाथ से डालें। और अब ये देखें ये फ्राई हो गए। अब ये देखें हमारे ये फ्राई हो गए, ये हमारा नूडल्स पकौड़ा निकालने लगा। आपने किसी छन्नी में निकाल लेंगे ये देखिए चिकन पकौड़ा। ये हमारा आलू का पकौड़ा। अब हम इसकी इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन करके प्लेटर तैयार करके। फ्रेंड्स हमारा ये 3D जो है पकौड़ा तैयार हो गया है। इसमें हमारे पास नूडल्स पकौड़े, चिकन पकौड़ा और आलू पालक पकौड़ा, तीनों पकौड़ों की रेसिपी आज आपको मिल गई है। तो आप इसे ज़रूर रमज़ान में ट्राई कीजिएगा और मुझे इंशाल्लाह कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह निगेबान।